गुलिस्तान वेचन सभी निकाले में मंगल आचरण अपन प्रारंभ कर रहे हैं। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शोध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु उद्योत। गुणिस्थान विचन विषय पर अपनी चर्चा क्रम प्राप्त है। इस गुणिस्थान में प्रथम द्वितीय और तृतीय गुणिस्थान पर चर्चा हम कर चुके हैं विस्तार से। प्रथम गुणिस्थान का नाम मिथ्यात्व है, द्वितीय गुणिस्थान का नाम सासाधन सम्यक्त्व है, तीसरे गुणिस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र है। इस तरह से इन तीन गुणिस्थानों की चर्चा हम कर चुके हैं और अब चतुर्थ गुणिस्थान की चर्चा हमें करना है। कल चतुर्थ गुणिस्थान की चर्चा सामान्य रूप से भूमिका रूप में प्रारंभ की थी। चौथे गुणिस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है? अविरत माने जिसके विरत नहीं है वो अविरत, और सम्यक्त्व माने जो सम्यक्त्व से सहित है वह है अविरत सम्यक्त्व। ऐसा यह चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दृष्टि के ही हो सकता है, मिथ्या दृष्टियों के अज्ञानियों के नहीं है। अभी तक प्रथम तीन गुणस्थान सामान्य रूप से अज्ञानियों के कहे जाते हैं, बहिरात्मा के कहे जाते हैं तीनों गुणस्थान, लेकिन अब जो चतुर्थ गुणस्थान प्रारंभ हुआ है ये अज्ञानी का नहीं है, बहिरात्मा का भी नहीं है, यह ज्ञानियों का गुणस्थान है, अंतरात्मा का गुणस्थान है। जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, आत्मा को पहचान लिया है, छेड़हाला में जब हम पढ़ते हैं सम्यक दर्शन की चर्चा, उसमें परिभाषा लिखी पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है।
आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। माने यहाँ इस चतुर्थ गुण स्थान में परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व की रुचि हो गई है। रुचि हो गई का मतलब श्रद्धान हो गया है, पक्का प्रतीति हो गई है, दृढ़ निश्चय हो गया है कि आत्मा, यह जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, ये शरीर आदि अन्य द्रव्य मेरे नहीं है। क्या गजब है। समय सार गाथा 17-18 में जब कहते ना कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, सबको आ रहा है, आबाल गोपाल बच्चों को, युवाओं को, वृद्धों को, सबको, सबको ख्याल में आ रहा है, लेकिन सबको ख्याल में आता हुआ फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है उसका कि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है? उसका कारण यही है कि जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि जो अनुभव में आ रहा है वही मैं हूं। बस वही मैं हूं इतना निर्णय हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, पक्का श्रद्धान हो जाए, आत्मा का श्रद्धान हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, दृढ़ प्रतीति हो जाए, तो वहीं से सम्यक दृष्टि कहलाता है। और यदि अभी कोई व्रत अंगीकार नहीं किए हो तो उसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस तरह से इस अविरत सम्यक दृष्टि के ये चतुर्थ गुणस्थान से इसका गुणस्थान प्रारंभ हो चुका है। अब इसकी और विस्तार से अपन चर्चा गुणस्थान विवेचन ग्रंथ के आधार से ही अपन कर रहे हैं। अब चौथा गुणस्थान निकाल लेवे, उसकी परिभाषा अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 107, सबसे नीचे गाथा दी है गोमर्सार जीवकांड गाथा नंबर 29। आपके पास सभी के पास गुणस्थान विवेचन है, अपन सभी एक साथ गाथा बोलेंगे, सभी एक साथ पढ़ लें, पढ़ना तो सबको आती होगी लगभग। णो इंदिये सुविर दो णो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दह दिजिन उत्तम सम्मा इठी अवीर दोसो। इसमें क्या कहा कि वह जीव णो इंदिये सुविरदो णो जीवे थावरे तसे वापी, यह जीव इंद्रियों से विरक्त नहीं है। इंद्रियों से विरक्त नहीं है का मतलब इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं हुआ है। और इंद्री ले लिया तो मन भी साथ में ले लेना, पांचों इंद्री और मन के विषय से अभी वह विरक्त नहीं हुआ है, ना एक देश और ना सर्वदेश। और दूसरा बिंदु है णो जीवे थावरे तसे वापी, कि वह त्रस की हिंसा और स्थावर की हिंसा दोनों की हिंसा से भी विरक्त नहीं हुआ है। माने त्रस हिंसा का और स्थावर की हिंसा का भी उसके नियम पूर्वक त्याग नहीं है। तो क्या है ये, तो नहीं है नहीं है वाला हो गया, नास्ती से कथन हो गया। क्या क्या नहीं है? दो चीजें नहीं है। क्या दो चीजें नहीं है? पांचों इंद्रिय और मन के विषय से विरक्त नहीं है, एक नहीं है, दूसरा नहीं है। क्या है ऋषभ? त्रस और स्थावर की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। तो ये तो नहीं है नहीं है हो गया, तो है क्या ये तो बताओ। तो कहते हैं है भी कुछ। ये गुणस्थान नहीं है से बनता है कि है से बनता है? किससे बनता है? यहां तो शुरुआत ही ऐसी कर रहे हैं, इससे विरक्त नहीं है, उससे विरक्त नहीं है। नहीं है नहीं है तो है क्या? कहते है ना कुछ। तो क्या है?
जो सद दहेदी जनोत्तम कि जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई तत्व का श्रद्धान करता है, ये चीज है, ये है पॉजिटिव अस्ति से है कि जिनेन्द्र भगवान ने जैसा तत्व कहा है उसका वह पक्का श्रद्धान करता है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जीव का लक्षण है, जीव का स्वभाव है जानना देखना, तो वह स्वीकार करता है कि मेरा स्वभाव जानना देखना है, अन्य कुछ भी करना धरना मेरा काम नहीं है। तो फिर क्या सम्यक दृष्टि कुछ करता धरता नहीं है? इसमें देखो पूरी परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। जो सद्दहेदी जनोत्तम कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो कही गई बात का श्रद्धान करता है, सम्मादिट्ठी इट्ठी अविरदोसो, वह अविरद सम्यक दृष्टि कहलाता है। माने जिनेन्द्र भगवान ने जैसा तत्व कहा है उस तत्व का यथावत श्रद्धान करता है। जीव का जो स्वभाव बताया वैसे ही श्रद्धान करता है, अजीव का जो स्वभाव बताया वैसे ही श्रद्धान करता है। वस्तु स्वभाव का जैसा स्वरूप बताया गया है, जैसा वस्तु स्वभाव है वैसे ही श्रद्धान करता है। ऐसा जब श्रद्धान करता है कि जीव का काम मात्र जानना देखना है, अन्य कुछ भी करना धरना नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करता है, वह कौन हो गया? सम्यक दृष्टि। मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव जानता देखता है, क्यों? क्योंकि जानना देखना उसका स्वभाव है। मिथ्या दृष्टि का भी जानना देखना स्वभाव है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसा स्वीकार करता है। तो मुझे बताइए कि सम्यक दृष्टि है वह जानने देखने के अलावा कुछ और करता है कि नहीं करता है? क्योंकि उसने जान लिया वस्तु को, स्वभाव पहचान लिया, तो जैसा स्वभाव है उसका निर्णय कर लिया, पक्का श्रद्धान हो गया। तो जब श्रद्धान हो गया, पक्का निर्णय हो गया, उसको पता चल गया मेरा काम तो बस इतना ही है कि जानो और देखो, तो जानने देखने के अलावा कुछ और करेगा कि नहीं करेगा? बताइए भाई साहब, नसरुल्लाह जी साहब, क्या करेगा? करता है कि नहीं करता है? तो भाई साहब मान लो घर में होगा तो कोई काम करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर तो करेगा वाला गड़बड़ हो गया ना। एक जगह बैठ जाना चाहिए कोने में और बस जो जो हो रहा है देखते रहो, जानते रहो, ऐसे ही काम होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया, घर के सारे काम करेगा, घर के सारे काम करते हुए ये भी कहेगा कि काम मैंने किया, ये भी कहेगा, और एक कहते हुए भी अंदर ऐसी मान्यता रहेगी कि मैं इसका करने वाला नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। गजब की चीज है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी शक्ति अंदर प्रकट हो जाती है कि कर्ता सारे काम है, लेकिन करते हुए भी अंदर ऐसा भाव बैठा है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं। अपन को तो छोटे छोटे काम कर लें तो कैसा लगता है कि ये काम किसने किया? मैंने किया। यदि कोई मना कर दे कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया तो कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। यदि कहा जाए ये जो शिविर का सारा जो तामझाम है, जितनी व्यवस्था है, ये सब जिन जिन ने की है, सबका नाम लिया जाता है। मान लो यहां से सूचना होने लगे माइक से, कैसी सूचना होने लगे कि जो जिन जिन का नाम लिया जा रहा है इनने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इनने, तो कैसा लगेगा?
ऐसा लगेगा पूरे जब से हमें पता चला है 3-4 महीने पहले से कि खन्याधारा में शिविर लगना है, दिन रात एक कर दी, पूरी शक्ति लगा दी और माइक पे खड़े होके सबके सामने क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो बुरा लगेगा कहीं लगेगा। और सम्यक दृष्टि होता तो सम्यक दृष्टि वो भी करता है काम, लेकिन करते हुए और भाषा में भी कहेगा कि मैंने किया, लेकिन मान्यता चेक करना है कि वहां सम्यक दृष्टि की मान्यता ऐसी होती है कि इसका मैं रंच मात्र भी करता नहीं हूं, कर सकता भी नहीं हूं। मैंने क्या गजब के अंदर बैठ जाती है। मैं भरत चक्रवर्ती 6 खंडों के राज्य का संचालन करते हैं, करते कि नहीं करते, शायद सम्यक दृष्टि थे, सारा काम किया कि नहीं किया, कितने सारे युद्ध लड़े, 60,000 वर्ष तक घूमते रहे सबको जीतने के लिए, कितने हजार वर्ष, 60,000 वर्षों तक, फिर पूरा राज्य संचालन करते रहे, तो काम किया ना सारा। लेकिन कहते हैं भरत जी घर ही में, गजब है ये। तो जब वास्तव में जिसको सम्यक दर्शन हो जाए तभी उसको समझ में आए कि वास्तव में घर में रह के भी विरक्त कैसे रहा जा सकता है। ऐसी इस तरह की मान्यता सम्यक दृष्टि की हो जाती है, वहां रहता हुआ भी नहीं रहता है। इष्टोपदेश में भी खूब गाथा है ना ज्ञानी के, गच्छन अपि न गच्छति, पश्यन अपि न पश्यति, माने चलता हुआ भी नहीं चलता है, देखता हुआ भी नहीं देखता, बस वो अपना काम करता है, अपना जानने देखने काम करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। सब दिखाई देगा, भोगता हुआ भी दिखाई देगा, करता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा दिखाई ही देगा लेकिन वह करता नहीं है, ऐसी बात है। तो इस तरह से ये अविरत सम्यक दृष्टि का ऐसा स्वरूप है, जिसको आत्मा का श्रद्धान हो जाता है, तत्व का श्रद्धान हो जाता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है, वह जीव पर के कर्तृत्व का त्याग कर देता है, मात्र जानना देखना ज्ञाता दृष्टापना ही उसके रह जाता है। इसमें थोड़ी सी चर्चा और करना है कि हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि की जो इमेज है, सम्यक दृष्टि की इमेज अपन ने कहा ना सिर्फ जानता देखता है, तो सम्यक दृष्टि की इमेज जो हमने बना रखी है कुछ इस तरह से, किस तरह से कि यदि हमें ऐसा चलता फिरता मिल जाए ना इधर उधर, आए बैठे कुर्सी पे बैठ जाए या नीचे बैठ जाए और मान लो सुन रहा है या बातचीत कर रहा है और इधर उधर मिल रहा है, इनसे मिल रहा, उधर मिल रहा है, सब जगह घूम रहा है, तो हमें वो लगेगा सम्यक दृष्टि है। धोती दुपट्टा भी नहीं पहने हैं, कुर्ता पजामे भी नहीं पहने हैं, पैंट शर्ट पहने हैं, लगेगा सम्यक दृष्टि, बहुत कठिन काम है। हंस रहा हो, किसी से बात कर रहा हो, गप्पे लगा रहा होगा तो सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं होगा। एक दिन और अपन ने चर्चा की थी, एक बार बार इसलिए चर्चा करने का मन होता है क्योंकि हमने सम्यक दृष्टि की मेंटेलिटी अपने हिसाब से बना रखी है। कुछ भी जैसे गप्पे लगाता रहता है, सम्यक दृष्टि होगा ये, अरे हो ही नहीं सकता, अच्छे बढ़िया खान पीन सब खाना पीना खा रहा हो मजे से तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। मुझे बहुत सारे आइटम नहीं बन रहे भोजनालय में, राजभोग क्या क्या बन रहे हैं, खीर बन रही है, अच्छे मत बताओ कि एक राजभोग खाए
तो सम्यक दृष्टि के दस खाए तो सम्यक दृष्टि, क्या है? यदि कोई दस खा गया तो बताओ वो मिथ्या दृष्टि कहेंगे अपन के नहीं? दस दस खाता है, ये सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। परिभाषाएं हमने सब अपने अपने मन से बना रखी हैं, है ना? इतना खा लिया, इतना नहीं खाया, उससे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय करते हैं। दिन रात शिविर लगा रहा है, ये काम कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि, और जो घूमता रहता है वो बस मिथ्या दृष्टि। ये परिभाषा है, वो परिभाषा भी नहीं है। शांत एकदम गंभीर बैठा हो, हमेशा गंभीर ही रहता है, मुस्कुराता भी नहीं है, वो सम्यक दृष्टि। कई बार हम ऐसे ही सोचते हैं, बहुत गंभीर व्यक्तित्व है, बिल्कुल चेहरा इतना गंभीर बना रहता है, पक्का सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए है? क्या पता वो दुखी हो। माने गंभीरता और मुस्कुराना या चेहरे पे एकदम बढ़िया तेज दिखना ना, ये कोई, ये वास्तव में ये कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि जिनसे हम कह सकें कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। ये तो बाह्य की क्रियाएं हैं। दिगंबरी दीक्षा लेकर भी नग्न दिगंबर साधु भी हो जाए और बहुत तपश्चरण करे, तब भी उससे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो फिर अपन बाह्य दूसरी श्रावक की कोई क्रियाओं से जो हमें दिखाई दे रही हैं, उनसे सम्यक्त्व का या मिथ्यात्व का निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए तत्व निर्णय जिन्होंने किया है, जिन्होंने वस्तु स्वरूप का पक्का श्रद्धान किया है, सच्चा श्रद्धान किया है, वह सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि की परिभाषा है, ठीक है? इस तरह से सम्यक दृष्टि की हमें ऐसी परिभाषा जानना चाहिए। और उसमें दो चीजें जो कही कि उसके अभी नियम पूर्वक पांच इंद्रियों के विषय का त्याग नहीं हुआ है और त्रस और स्थावर की हिंसा का भी अभी उसने नियम पूर्वक त्याग नहीं किया है। इस तरह से इसकी परिभाषा यहां पर बताई गई। इसका हिंदी में और अर्थ पढ़ देता हूं। फिर एक और परिभाषा यहां पर आई है चतुर्थ गुणस्थान की, वो भी अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर 108 पर सबसे ऊपर, जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो। पहली शर्त है चतुर्थ गुणस्थान की। क्या है शर्त? जो परिणाम सम्यक दर्शन से सहित हो। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना चौथे में जा ही नहीं सकता है। दूसरा, परंतु इंद्रिय विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो। माने पांचों इंद्रियों के विषयों से, मन के विषयों से और त्रस स्थावर की हिंसा से अविरत हो। माने इनका भी उसने नियम पूर्वक त्याग नहीं किया हो, अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहित हो। संयम अभी इसके है ही नहीं। संयम कहां से शुरू होता है? कहां से? पांचवे गुण स्थान से। पांचवे गुण स्थान के नीचे रंच मात्र भी संयम नहीं है, तभी कोई भी संयम नहीं है, ना एक देश और ना सर्वदेश। उस परिणाम को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। ये हो गई चतुर्थ गुणस्थान की परिभाषा। अब एक और परिभाषा दी है गौमर्सार जीवकांड में ही, गाथा नंबर 26 में। वो परिभाषा 109 नंबर पेज पर
साइड वाले पेज पर ही सबसे नीचे है। गाथा है, मैं सीधा अर्थ ही पढ़ता हूं क्योंकि गाथा में आप लोगों को थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ी अभी कर्णानियोग वाली परिभाषा है, अभी थोड़ी द्रव्यानियोग जैसी थी क्योंकि अपन ने बना रखा है अपने हिसाब से अनियोगों की परिभाषा, जो सरल हो सो द्रव्यानियोग, जो कठिन हो सो कर्णानियोग। ऐसे ही तो है, अपन ने बहुत सारी परिभाषाएं अपने मन से बना रखी हैं। द्रव्यानियोग में थोड़ा सा सूक्ष्मता से चर्चा हो जाए तो हमें लगता है कर्णानियोग आ गया है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है कौन सा, और समिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सौतत्व मोदयिक परिणामिकौ च, कौन से अनियोग का है, कौन से अनियोग का है, औपसमिक भाव है, शायोपसमिक भाव, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव, शायक भाव, ये कौन से अनियोग के हैं। सामान्य से चर्चा होगी तो अपन कहेंगे द्रव्य अनियोग, थोड़े ही से गहरे में गए अरे तो कर्णानियोग आ गया है ना। अपन ने परिभाषाएं जो कठिन हो जाए थोड़ा सा तो हम कर्णानियोग बना देते हैं और सरल हो जाए तो द्रव्यानियोग बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरल और कठिन होना ये कर्णानियोग और द्रव्यानियोग की बात नहीं है, है ना। इसलिए अब देख रहे हैं अपन थोड़ी सी कठिन वाली परिभाषा, क्या परिभाषा है देखें पेज नंबर 110 पर। अप्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म के उदय से, कौन सी कषाय के उदय से, अप्रत्यक्षानावरण कौन से नंबर की कषाय है, दूसरे नंबर की है ना, पहले नंबर की कौन सी, अनंत अनुबंधी, माने यहां अनंत अनुबंधी का नाम नहीं लिया, उदय किसका, अप्रत्यक्षानावरण के उदय से असंयत होने पर भी, अब ये संयत है वो 5, 6 या 7 माने अनंत अनुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, कितनी हो गई 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम की दशा में होने वाले जीव के औपशमिक शायक तथा शायोपशमिक भावों को अविरत सम्यक्त गुणस्थान कहते हैं। कितनी प्रकृतियों का, 5, 6 या 7। यहां पे भी इस विषय में भी कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, उसका भी स्पष्टीकरण करने का विचार है। उपशम सम्यक तो होता है कितनी प्रकृतियों के उपशम से, कितनी प्रकृतियों के उपशम से उपशम एक सम्यक होता है, पांच छह अथवा 7। 5 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक होता है, 6 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक होता है, और 7 प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक होता है। कैसे होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि होगा तो 5 प्रकृतियों का ही उपशम होगा, बस उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। किसको, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तो 5, क्योंकि अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी एक ही है, एक अखंड है, उसके कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, तो दर्शन मोहिनी की 1 और अनंतानुबंधी की 4,
इन पांच प्रकृतियों का उपशम होता है तब उपशम एक सम्यक तो होता है। कौन सी मिथ्या दृष्टि को? अनादि मिथ्या दृष्टि को। इसके लिए तो यही नियम। अब सादी मिथ्या दृष्टि के लिए पांच छह और सात तीनों प्रकृतियों के उपशम से और अनंतानुबंधी की चार, इनके उपशम से उपशम एक सम्यक होता है। कैसे होता है? मान लो किसी जीव ने एक बार सम्यक प्राप्त किया और सम्यक छूट गया। सम्यक प्राप्त करते ही दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हुए थे। कितने? कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन टुकड़े हुए थे। अब वह जीव सम्यक से च्युत होकर वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया, तो कौन सा मिथ्या दृष्टि हो गया? सादी मिथ्या दृष्टि। अब उसके सत्ता में अनंतानुबंधी तो है ही, अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोहिनी की तीन है। अनादि के तो दर्शन मोहिनी एक ही था और सादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी के तीन भेद हैं, तीनों टुकड़े हैं, तीनों के तीनों अभी उसके पास सत्ता में बने हुए हैं। यदि वह जीव इन तीनों का और अनंतानुबंधी चार इनका उपशम करे तो सात प्रकृतियों के उपशम से औसम एक सम्यक तो होता है। ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहिनी की तीन, इनके उपशम से कौन सा सम्यक तो? औसमिक। अब छह का कैसे लगाना? छह का भी सुन लो, ये तीनों जब सत्ता में पड़ी हुई है तो क्या होता है, बहुत काल व्यतीत हो जाए, ये धीरे धीरे सम्यक मिथ्यात्व तो जो सम्यक प्रकृति जो है सबसे अंत की, वह धीरे 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 सम्यक मिथ्यात्व में मिलती जाती है। किसे मिल गई? सम्यक मिथ्यात्व में, तो पूरी आके उसमें मिल गई, तो सम्यक प्रकृति गई, कितनी बची? दो, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दो बची। अब इस काल में यदि उस जीव के औसमिक सम्यक तो हो तो दो ए और अनंतानुबंधी की चार, तो इस तरह से चार और दो छह प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है। ठीक है, नंबर तीन, अगली बात, जैसे अभी सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व मिली थी, अब ऐसे ही मिलते मिलते सम्यक मिथ्यात्व भी किसमें मिल गया? मिथ्यात्व मिल गया, तो सब मिलके एक अखंड वापस दर्शन मोहिनी एक अखंड हो गई। तो अब यदि इस समय उस जीव के औपशम एक सम्यक तो हो तो अनंतानुबंधी की चार और दर्शन मोहिनी एक, इस तरह से इन पांच प्रकृतियों के उपशम से भी औपशम एक सम्यक तो होता है। इस तरह से पांच छह अथवा सात प्रकृतियों के उपशम से औपशम एक सम्यक तो कहा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं शाय उपशमिक सम्यक तो कैसे होता है, और फिर शायक भी संक्षेप में ही देख रहे हैं। शाय उपशमिक, जिस जीव को औपशमिक सम्यक तो हुआ था, औपशमिक सम्यक तो होकर दर्शन मोहिनी के कितने टुकड़े हो गए थे? तीन। अब इसमें क्या होगा, जो तीन टुकड़े थे उनमें जो पहले के दो हैं कौन से? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों तो दबे रहे। क्या हो इन दोनों का? ये दोनों दबे रहे, और जो तीसरा भेद था सम्यक प्रकृति, उसका उदय आ जाए, उसका उदय, और ये दोनों सत्ता में दबे रहे।
इस समय जो कंडीशन बनेगी उसको कहेंगे शायोपशमिक सम्यक्त, ठीक है। क्या कहा एक बार और दोहरा लें, जो दो थे कौन से दो, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये तो क्या है दबे हुए हैं। इनको और थोड़ी सी कठिन भाषा में कहें, इसको कहते हैं इन दोनों का उदयाभावी क्षय। क्या कहते हैं, वर्तमान में इनके उदय का अभाव है, माने इनका उदय नहीं है, इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। और भविष्य में भी इन्हीं दोनों का सदवस्था रूप उपशम, माने जैसे है वैसे के वैसे सत्ता में पड़े रहेंगे, उदय में नहीं आएंगे, इसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम, माने वर्तमान में भी उदय में नहीं आ रहे और भविष्य में भी उदय में नहीं आएंगे। दो हो गई बात। तीसरी कंडीशन, जो सम्यक प्रकृति है उसका क्या चल रहा है, उदय। सम्यक प्रकृति का चल रहा है उदय। तो ऐसी तीन कंडीशन जब बनती है उसको कहते हैं शयोपशम, माने शयोपशमिक सम्यक्त, ठीक है। अभी भी वैसे बहुत स्थूल रूप से ही बताया है, इसमें गहराई और भी बहुत है, लेकिन अभी इतना ही सामान्य जानना। और शाय सम्यक्त में क्या होता है, ये जो तीनों प्रकृतियां हैं इन तीनों का सर्वथा क्षय, कब तक के लिए, अनंत काल तक के लिए, कभी भी ये जीव के साथ बनेंगे ही नहीं, उसको कहते हैं क्षय, माने क्षय हो जाए, सर्वथा नष्ट हो जाए, तो उससे शाय सम्यक्त हो जाता है। इस तरह से इस जीव के जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, इसके अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का तो उदय है, और किसका उपशम शयोपशम क्षय हो गया, अनंतानुबंधी संबंधी चार और दर्शन मोहिनी की तीन, इनका या इस भाषा में कहें तो पांच छह या सात प्रकृतियों का, इनके उपशम क्षय शयोपशम से यह जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब इसके संयम भाव बिल्कुल नहीं है, ना एक देश संयम ना सर्वदेश संयम। इस तरह से चौथे गुणस्थान की यहां परिभाषा दी है। अब थोड़ा सा एक प्रकरण और लेता हूं, दो तीन मिनट बचे हैं। सम्यक तो कितने बताए, तीन। मुझे बताइए इन तीनों में से मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा सम्यक अनिवार्य है और कौन सा शायक, और कौन सा अनिवार्य नहीं है। और सम्यक और शायक सम्यक, मैंने जब कहा कि कौन सा अनिवार्य है, आधा ही प्रश्न बोला और आधा ही में जवाब आ गया, कौन सा शायक अनिवार्य है। अब दूसरा अगला प्रश्न है मेरा, कौन सा अनिवार्य नहीं है, तो आपने कहा शायोपशमिक और है मात्र शायोपशम, उसके बिना मोक्ष हो जाएगा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीनों ही सम्यक तो अनिवार्य हैं, ये मत सोचना कि एक आध छोड़ दो तो काम हो जाएगा, तीनों ही अनिवार्य हैं। क्यों अनिवार्य है वो भी बता देता हूं आपको। हर जगह जैसा होता ना कि क्यों का उत्तर नहीं होता, यहां क्यों का उत्तर है। कैसे है, दो मिनट में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब जब भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक तो होगा, शायक तो होगा ही नहीं,
कौन सा होगा? ऑफ समय ही होगा। ऐसा क्यों? शायक हो जाए ना सीधा, केवली सुरत केवली के पाद मूल में जाए और वहीं सीधा शायक ही ले ले। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो ऐसा कोई जीव सीधा केवली सुरत केवली के पाद मूल में गया हो और डायरेक्ट शायक हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शायक की अलग अपनी विधि है, उस विधि के लिए सबसे पहले ऑफ समयक होना अनिवार्य है। कैसे? ऑफ समयक सम्यक होता है तो जो एक अखंड दर्शन मोहिनी था उसमें फूट डाली, पहले सबने डाली, अंग्रेजों ने डाली, तो ये भी डालता है दर्शन मोह ऑफ समयक सम्यक। ऑफ समयक सम्यक तो होते ही दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो गए। अब तीन टुकड़े हो गए तो तीन टुकड़ों में मिथ्यात्व का सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनमें सम्यक प्रकृति का उदय आया। किसका उदय आया? जो तीनों टुकड़े अभी नाश तो किसी का नहीं हुआ, तीनों बने हुए हैं, और तीनों जब बने हुए हैं नाश करना है तो क्या होता है? इसमें सम्यक प्रकृति का उदय आता है। कौन सी प्रकृति का? कौन सा सम्यक हो गया? शायक सम्यक। और सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो कैसा चलता है क्रम? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व मिलता है। मिथ्यात्व किस में आता है? सम्यक मिथ्यात्व में। और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में मिलता है, और सम्यक प्रकृति का तो उदय चल ही रहा है। मिथ्यात्व का सीधा क्षय नहीं होता, सम्यक मिथ्यात्व का भी सीधा क्षय नहीं होता। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में आके मिलता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में आके मिलता है, और सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो उदय होते होते क्षय हो जाता है। तो इस तरह से ऑफ समय भी जरूरी है और शायव समय भी जरूरी है, क्योंकि सम्यक तो प्रकृति का उदय भी चाहिए। और इसी क्रम से फिर शायक सम्यक की प्राप्ति होगी। यह भी संक्षेप में कहा, अपने पास समय भी इतना नहीं है, वहां जब विदिशा में लिया था तो पूरा बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो ये इस क्रम से औपसमिक सम्यक भी अनिवार्य है, शायोपसमिक भी और शायक भी, तीनों ही सम्यक अनिवार्य है। तीनों में से एक नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। इस तरह से अपन ने इतनी चर्चा आज की। अब जितनी भी बची है, कल एक दिन है अंतिम, कितने लोग रहेंगे संभावित, थोड़ा आइडिया ले लें हम। हाँ, क्या हो रहा है? और नहीं, वो भक्ति होगी ना अभी? अरे वो तो अच्छा, चल लें दे, चलो पांच एक मिनट चलने देता हूं। फिर से बता देता हूं इसको, ये आपको समझ में आ गया? तीनों सम्यक होना अनिवार्य है, तीनों सम्यक की अनिवार्यता है। माने एक भी नहीं हो तो हम सोचे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से तीनों सम्यक की चर्चा अपन ने यहां पर की। चतुर्थ गुणस्थान में कितने सम्यक तो हो सकते हैं? सम्यक की अपेक्षा विचार करें तो कितने सम्यक तो हो सकते हैं? तीनों ही हो सकते हैं एक साथ। एक साथ कितने? एक ही होगा। एक साथ दो या तीन भी नहीं हो सकते। अकेला एक ही, पहले औपसमिक और फिर यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो शायोपसमिक, और धीरे धीरे उसका भी उदय होते होते सबका, तीनों का क्षय हो जाए तो शायक सम्यक। तो इस तरह से तीनों हो सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम, एक समय में एक ही सम्यक रहता है। और सम्यक है तो चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र कैसा होगा? अच्छा, ज्ञान कैसा होगा?
सम्यक के साथ है ज्ञान होए, सम्यक हुआ सम्यक दर्शन तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, ज्ञान भी हो गया। अब चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं है, इस संबंध में बड़ा विवाद है। चारित्र है कि नहीं है, है ना? चारित्र देश चारित्र नहीं है और सकल चारित्र नहीं है, कौन सा नहीं है? लेकिन सम्यक चारित्र है, कौन सा चारित्र नहीं? पंडित टोडरमल जी ने तो इसको अचारित्र भी कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना आप, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव के क्या कहा? अचारित्र कहा। किस अपेक्षा से अचारित्र कहा? क्योंकि उसके देश चारित्र भी नहीं है और सकल चारित्र भी नहीं है, तो वो वाला चारित्र इसके नहीं है, इस अपेक्षा से अचारित्र है। फिर भी सम्यक तो होते ही अनंत अनुबंधी का भी अभाव हुआ है, उस काल में उसके सम्यकपना चारित्र में भी आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, इस अपेक्षा से उसको सम्यक चारित्र भी कह देते हैं। तथापि इसको वैसा वाला चारित्र नहीं मानना। कैसा वाला? देश चारित्र सकल चारित्र जैसा चारित्र यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? इस तरह से यहां पर सम्यक्त्व की और चारित्र की चर्चा की। अब अगला प्रकरण है इसमें सम्यक्त्व का काल। तीन सम्यक्त्व कहे ना, तीनों सम्यक्त्व का काल कितना है? पहला नंबर का कौन सा सम्यक? ऑफ समिक। ऑफ समिक सम्यक्त्व का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त किसका? ऑफ समिक सम्यक्त्व नहीं, जघन्य काल एक समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका तो मरण होता ही नहीं। ऑफ समिक सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता। जो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां जहां मरण नहीं होता, कई लोगों को बता दो ना तो खुश हो जाते हैं कि यार ऐसी जगह कहीं इनमें से कहीं ना कहीं फिट हो जाए हम। जैसे तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, करण लब्धि में जीव हो, अधाकरण अपूर्व करण अनवृत्तिकरण, तो करण लब्धि में भी किसी जीव का मरण नहीं होता। और समय सम्यक्त के काल में भी मरण नहीं होता। और भी ऐसी कई जगह ऊपर ऊपर भी हैं, है ना? तो यहां पर क्या बता रहे अभी? औसमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त, मध्यम काल भी अंतर्मुहूर्त, सब जगह अंतर्मुहूर्त ही है। शायोसमिक सम्यक्त्व का, शायोसमिक सम्यक्त्व का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त कितना और उत्कृष्ट काल है 66 सागर। कितना है? 66 सागर। अभी तो ये सागर ही नहीं पता चलता होगा कि मध्य प्रदेश वाला लगाना है कि कहां का लगाना है, है ना? बहुत बड़ा है सागर, अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानो कि 66 सागर। कई लोग कहते हैं 266 सागर, 266 सागर नहीं है। वो कैसे लगा लेते हैं? 66 सागर लगातार रहे और एक अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आ जाए और फिर शायोसमिक सम्यक दृष्टि हो जाए तो फिर से 66 सागर तक बना रह सकता है। तो एक अंतर मुहूर्त बीच में कम हो गया, उतना कम करके फिर से 66 सागर का हो तो दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया शायोसमिक सम्यक्त्व का। और अब बस अंतिम एक मिनट में पूरा करते हैं, शायक सम्यक्त्व का काल कितना? जघन्य तो होता नहीं, मध्यम भी होता नहीं, और जब जघन्य नहीं मध्यम नहीं तो उत्कृष्ट भी क्यों कहो? उसका तो सामान्य काल सादी अनंत है, एक बार हुआ तो अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए सबको शायक सम्यक्त की महिमा आती है, शायक सम्यक्त हो जाए,
है ना, होगा जरूर होगा, जो इतनी रुचि से तत्व का लाभ ले रहे हैं उनको नहीं होगा तो किसको होगा है? पूरे विश्व में जो इतनी उत्कृष्ट वाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार आदि जैसे परमावों का अध्ययन कर रहे हैं और अन्य सभी अनियोगों में जितना यथायोग्य स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने आत्म कल्याण की जिनको रुचि है, ऐसे जीवों को नहीं होगा तो किसको होगा। इसलिए हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए, कौन सा कि मैं भव्य हूं कि अभव्य, अभव्य का चक्कर हटा दो, भव्य हैं और हम दूरानुदूर तो नहीं हैं, वो भी विकल्प हटा दो, दूरानुदूर भी नहीं है तो दूर होंगे, दूर वाली भी बात मत करो, बिल्कुल सब निकट भव्य जैसे ही अपन अपने आप को समझें, क्योंकि इतने लाभ अपन ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। अब कब होगा ये तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, लेकिन होगा जरूर, ऐसी भावना के साथ यहीं पूरा करते हैं।